हिंदू को एक करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं सब कुछ त्याग सकता। अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा हो, अगर मेरे जान पर खतरा हो, तो क्या मैं आने वाले आगे को मारूंगा कि नहीं मारूंगा? कोई मुझे बताए, मुसलमान ही क्यों ना हो, आज मेरे अस्तित्व पर खतरा है। मैं आप सबों से कुछ मांगने आया हूं, वही मांगूंगा। मैं कुछ मांगूंगा, मैं आज आपको कुछ देना है, क्योंकि आपने दीपांकर स्वामी को दिया। मैं दो तीन बातें कहूंगा। गौतम जी, आपने बहुत सारी बातों को रखा। लोग पूछते हैं गिरिराज जी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, भारत के बिहार के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए। हम ये यात्रा मेरे मन में 2015 से, ये मेरा मन रोज विचलित हो रहा था। वो कहानी भी बताऊंगा। मैंने कहा कि मैं पैदा लिया, क्या मंत्री बन के पैदा लिया? मंत्री बन के पैदा नहीं लिया मैं। मैं एमएलए एमपी बना, मंत्री बन के एमएलए बन के पैदा नहीं लिया ना, एमपी बन के पैदा नहीं लिया ना। मैं पैदा लिया हूं हिंदू बन करके। अगर ये हिंदू की रक्षा के लिए, अगर ये हिंदू को एक करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं सब कुछ त्याग सकता, लेकिन अपने कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। ये हिंदू जागरण यात्रा। मैं एक दिन पटना में मैं अपने कंसल्टेंसी से जा रहा था। मेरे पास 2 घंटे का पटना में समय था। पत्रकार मित्र ने मुझे घेर लिया। मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूं। पत्रकारों को जवाब दिया, क्योंकि उस समय दिल्ली में एक हमारी बेटी का हत्या कर दिया था एक मुस्लिम नौजवान ने, शादी के नाम पर उससे ठगा था। उसी पर वो हमसे बयान ले रहे थे। जब सारे पत्रकारों ने बयान ले लिया, एक मीडिया का मुस्लिम कैमरामैन वो मेरे सामने आता है, कहा आओ आओ, मैं आपकी इंतजार कर रहा था, तुम मेरी रक्षा करो, क्योंकि आने वाले दिन में जो हालात बन रहे हैं। उसने भी कहा कि दादा, मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मैं छिपाता नहीं हूं, मैं अपने बेटे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता हूं, और मौलवी आते हैं कुरान पढ़ाने के लिए, लेकिन आप हिंदू पत्रकारों से पूछें, इनके बेटे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, कितने लोग गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा सिखाते हैं। वो लड़का मुसलमान होकर के भी उसने हमारे हिंदू के व्यवहार पर एक चोट मारने का काम किया, लेकिन अब तक भी हम नहीं कर पाए। जब तुझे कहते हैं लोग, आप मंत्री होकर के मीडिया में आ रहा है, मंत्री होकर के क्यों ये निकाल रहे हैं? इन्होंने तो शपथ लिया था, इन्होंने तो शपथ लिया था सर्वधर्म संभाव का। मैं आज भी शपथ में हूं सर्वधर्म संभाव का, लेकिन कोई मुझे बचाए? अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा हो, अगर मेरे जान पर खतरा हो, तो क्या मैं आने वाले आगे को मारूंगा कि नहीं मारूंगा? कोई मुझे बताए, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए?
अगर वो कोई भी हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, आज मेरे अस्तित्व पर खतरा है। मैं जो यात्रा निकाल रहा हूं, ये यात्रा 2016 में एक न्यूज में मैंने देखा, नाम नहीं लेना चाहता न्यूज का, एक चैनल ने दिखाया। वो चैनल दिखा रहा था कि पाकिस्तान से 20-25 लोग आए थे धार्मिक यात्रा पर, और धार्मिक यात्रा पर आने के बाद उनका वीजा उस दिन समाप्त हो रहा था। पत्रकारों ने पूछा, आज आपका वीजा समाप्त हो रहा है, आप जेल चले जाओगे, आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? मैं गौर करके सुनिएगा, उस जमात का मुखिया ने कहा, मैं भारत के जेल में रहना पसंद करूंगा, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। आगे सुनिए, जब पत्रकार ने कहा कि आपकी वहां मकान है, दुकान है, कारोबार है, वो सब छूट जाएगा, बहन सुनो तुम्हारे लिए कह रहा हूं, कहा कि दुकान है, मकान है, कारोबार है, ये सब छूट जाएंगे। वो जमात का मुखिया कहा कि आप देख ले, जिस टेंट में रह रहा था, तीन बेटियों को निकाला, कहा वर्षों से, कई सालों से। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 88-00-00-2024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।